हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी है और बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी का नाम है बेसन की कतली। यूपी बिहार में इसे बेसन की सरसों वाली सब्जी कहते हैं और राजस्थान में इसे पतौड़ की सब्जी कहते हैं। अदर स्टेट में और भी कई नामों से इसे बुलाए जाते हैं। तो आज मैं बेसन की कतली वाली सब्जी बनाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ बनाना शुरू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। तो सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आइए देखें इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक कटोरी बेसन मैंने लिया है और ये मसाले हैं जिसको मैं पीसूँगी, और इसके साथ मैं पाउडर वाले मसाले भी डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून सरसों है, मस्टर्ड, ये लहसुन है 10-12 कलियाँ हैं, एक बड़ा टमाटर और 1 टीस्पून साबुत जीरा है, और ये तड़के हैं। ये सरसों है 2 पिंच अजवाइन, 2 पिंच मंगरेल और 2 पिंच मेथी, और ये 1 लहसुन के कली को मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, ये तड़के में जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं मसाले को तैयार करती हूँ। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैंने टमाटर को काट लिया है। अब मैं मसाले को डालूँगी, जीरा, लहसुन और सरसों, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का मैं पाउडर डालूँगी। 1/2 कप पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ। मसाला पीस के तैयार हो गया है, तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने बेसन को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। 1/2 टीस्पून मैं नमक डालूँगी, थोड़ा कम ही डालना है, ग्रेवी में भी नमक रहेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो मैंने मसाले तैयार किए हैं उसमें से मैंने डाल दिया है, 1/4 अजवाइन, 2 पिंच में हींग डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लूँगी, लम्स ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी। विस्कर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बैटर तैयार हो गया है। मुझे बेसन को स्टीम पे पकाना है, इसके लिए मैं केक टिन लूँगी, आप चाहे तो प्लेट भी ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऑयलिंग कर लूँगी, ऑयलिंग अच्छी तरह से कर लेना है। अब मैं बेसन को इसमें डाल दूँगी। थोड़ा मैं इसको सेट कर दूंगी। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और मैं इसमें एक बर्तन डालूंगी। कटोरी को मुझे डुबो देना है। अब मैं इसके ऊपर केक टिन रख दूंगी और मैं इसको स्टीम कर लूंगी, ऐसे कवर कर दूंगी। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए, अब मैं चेक करती हूँ, लीड को खोलूँगी। अब मैं चेक करती हूँ, तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें तड़के डालूँगी जो मैंने तैयार किया था। तड़के से अच्छी खुशबू आने लगी, लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालूँ। अब मैं पीसे हुए मसाले को
अब मैं इसमें 1 टेस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अगर फ्रेश मेथी मिले तो आप फ्रेश मेथी डालिए इसमें। अब इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका तेल ऊपर ना जाए। फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए मसाला तैयार हो गया है, देखिए चारों तरफ से तेल आ गया ऊपर। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसमें थोड़ा पानी और पड़ेगा। ग्रेवी गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर लेना, इतना ही पतला रखना है क्योंकि बेसन अभी पानी को सोखेगा। अब ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इधर बेसन भी तैयार हो गया है, मैंने केक टिन से इसको बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे ग्रेवी में डाल दूंगी। ग्रेवी को चेक करते हैं। अब मैं लीड को खोलती हूँ। अब मैं इसमें बेसन की कतली को डाल देंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। लो फ्लेम पे मैं 5 मिनट पकाऊंगी। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए, मैं लीड को खोलती हूँ। गैस को मैंने बंद कर रखा है। देखिए सब्जी तैयार है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दूंगी। बेसन की कतली तैयार है, तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी। बेसन की कतली बनके तैयार है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी बनाइए। मैंने तो टेस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप ट्राई कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा बना है। पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।